नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल धीरज और एसएससी में आपका स्वागत है। देखते हैं क्लास एट एक्सरसाइज 2.4। तो देखते हैं, पहला सवाल कह रहा है अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की त्रिगुनी है। वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जो हमको ज्ञात करना होता है उसी को हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना सोची गई संख्या। तो माना सोची गई संख्या आप क्या मानेंगे, यक्स। अब बात करता है वह इसमें से 5/2 घटाकर, यानी ये जो सोची गई संख्या है इसमें से 5/2 घटा करके परिणाम को, यानी जो भी ये आया, जितना भी आ जाए घटाने के बाद, अगर संख्या होती 10 में से 5 घटा देते तो हम घटा सकते थे। अब मान लो घटा दिया गया, घटाकर परिणाम को 8 से गुणा, यानी ये जो परिणाम आया इसको क्या करना है, 8 से गुणा करते हैं। अब जो परिणाम मिलता है, फिर ये जो टोटल आया वह सोची गई संख्या का तिगुना है। अब देखिए सोची गई संख्या क्या है, यक्स। अब इसका तिगुना ये है लेकिन गुणा इधर करेंगे। देखिए कैसे, जैसे मान लेते हैं कोई भी, मान लीजिए संख्या 20 है, ठीक। इसमें से कह दे कि पहले 4 घटा दो, फिर 2 से गुणा करो, ठीक। तो देखो 20 में से 4 गया कितना आया, 16, और 16 दो ना 32 मान लो आ गया, और हमने सोचा था एक संख्या 8। तो इसका देखिए ये इधर कितना आया, 20 में से 4 गया 16, 16 दो ना 32। तो ये जो टोटल परिणाम आया ये जो सोची गई संख्या का कितने गुना है, 4 गुना है। तो हम गुणा किधर करेंगे, इधर करेंगे, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या कह रहा है, ये जो आया यानी पहले तो 5/2 घटाया गया, फिर जो परिणाम है उसको 8 से गुणा किया गया, ये जो टोटल आया सोची गई संख्या का 3 गुना है। तो 3 से गुणा किधर करेंगे, इधर। अब ये हमारा बराबर आ जाएगा। अब इसको जब हल करेंगे तो देखिए 8 से ब्रैकेट खोलेंगे तो 8 का x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8x, और फिर 8 की जब इसमें गुणा करेंगे माइनस का 5/2 का 8 से, तो 2 से 4 आ जाएगा, 5 × 20, ये आ गया हमारा माइनस का 20 बराबर, ये आ गया 3x, ठीक। अब देखिए ये जो 3x है प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये जो माइनस का 20 है इधर जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा। 8x में से 3x गया, कितना बचा, 5x और 20, तो x बराबर आ गया 20/5, यानी कितना आ गया, x बराबर ये जब कट जाएगा कितना आ जाएगा, 4, यानी सोची गई संख्या जो है हमारा वो है 4, ये हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार से आप लगा लेंगे। देखते हैं प्रश्न नंबर 2 कह रहा है दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुना है, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या देखिए हमारे पास है पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो आप किसी को भी पहले मान सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना पहली संख्या जो है दूसरी की 5 गुना है। तो सबसे पहले हम दूसरी संख्या मान लेते हैं, माना दूसरी संख्या यक्स, माना दूसरी संख्या यक्स, और पहली संख्या, तो देखिए पहली संख्या जो होगी वो कह रहा है 5 गुना है। तो ध्यान रखना ये है हमारी एक पहली संख्या और ये है हमारी दूसरी संख्या, ठीक। पहली संख्या इस संख्या का 5 गुना है, देखिए 5 गुना ये है लेकिन गुणा किधर होगा, इधर। तो अब इधर जब गुणा होगी 5 से, तो इसका मतलब दूसरी संख्या को हमने क्या माना था, x, इसमें 5 से गुणा होगी तो ये पहली संख्या आ जाएगी 5x, ठीक। तो पहली संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 5x, तो पहली संख्या होगी 5x। अब फिर अगला पॉइंट कह रहा है प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, अब 21 जोड़ने, देखो ये पहली संख्या है 5x और दूसरी संख्या कितनी है, x, दूसरी संख्या है x, तो ये पहली संख्या होगी और ये दूसरी संख्या होगी। अब देखते हैं कह रहा है दोनों में प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, यानी इधर भी 21 जोड़ दो और इधर भी 21 जोड़ दो, तो कह रहा है पहली संख्या दूसरी की 2 गुना हो जाएगी। तो देखिए ये पहली संख्या है और ये दूसरी है, तो क्या इसके बराबर होगी, नहीं, 2 गुना कह रहा है ना, तो वो गुणा किधर करोगे आप, इधर, ठीक। यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नानुसार या शर्तानुसार, ठीक।
ये देखिए पहली संख्या जो इसकी पांच गुना है, अगर ये दस है तो ये दस पचे पचास, यानी पांच गुना है। फिर क्या कह रहा है, इक्कीस, दो इधर भी इक्कीस जोड़ दिया, देखो इधर भी इक्कीस, तो ये जो पहली संख्या है इसकी बराबर तो नहीं होगी, दो गुना होगी। तो देखिए दो गुना ये हो रहा है, लेकिन गुणा इधर करेंगे। अब देखिए हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा पाँच एक्स प्लस का इक्कीस बराबर, ये दो से ब्रैकेट खोलेंगे, दो एक्स फिर इक्कीस में गुणा होगा तो ये आ जाएगा बयालीस। अब ये दो एक्स इधर आएगा तो पाँच एक्स माइनस का दो एक्स, प्लस का था इधर आएगा माइनस का बयालीस, और ये प्लस का इक्कीस इधर जाएगा माइनस का इक्कीस, तो ये आ गया तीन एक्स बराबर इक्कीस, तो एक्स बराबर आ गया इक्कीस बटे तीन यानी सात। तो देखिए एक्स का मान आ गया हमारा सात। तो अब देखते हैं दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, तो दूसरी संख्या यानी एक्स, तो एक्स का मान आ गया सात, और पहली संख्या पाँच एक्स यानी पाँच गुणे एक्स का मान सात यानी पैंतीस। अब देखते हैं अगर इसकी सभी शर्तों को चेक किया जाए तो देखिए दो संख्या में पहली संख्या दूसरी की पाँच गुना, देखो इसकी ये पाँच गुना है, सात पच पैंतीस, प्रत्येक संख्या में इक्कीस जोड़ने पर, अगर इसमें इक्कीस जोड़ दो और इसमें इक्कीस जोड़ दो तो देखिए ये हो जाएगा अट्ठाईस और ये हो जाएगा छप्पन। तो देखिए ये पहली संख्या इसकी दूना है कि नहीं, इसका मतलब ये हमारा आंसर एकदम करेक्ट है, यानी दूसरी संख्या सात और पहली संख्या पैंतीस है। प्रश्न नंबर तीन देखते हैं, दो अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग नौ है। तो देखिए अंक कौन से, जैसे मान लेते हैं ये और ये दो संख्याएं लिखी हैं मान लो, तो इन दोनों अंकों का योग कितना है नौ। वो संख्या कोई भी हो सकती है, आठ और एक या सात और दो, इनका अंकों का योग कितना है नौ। ठीक, अब बात करते हैं इस संख्या के अंकों के स्थान बदल कर प्राप्त संख्या जो होगी दी गई संख्या से 27 अधिक होगी, जो पहले संख्या थी उससे 27 अधिक होगी, दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम ज्ञात करते हैं माना इकाई का अंक, तो इकाई का अंक हमने मान लिया यक्स। ठीक, तो अब देखिए दहाई का अंक कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर पहली शर्त में दिया है दो अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग नौ है, यानी अभी हमने बताया जैसे ये संख्या लिखी है तो इन दोनों अंकों का योग कितना है नौ, तो यानी एक इकाई होती है और एक दहाई होती है, तो इकाई और दहाई के अंकों का योग कितना है नौ। तो अब देखिए यहाँ पर हमने इकाई का अंक कितना माना है यक्स, तो ये दहाई ये नौ, तो दहाई यहाँ पर रुक जाएगी तो ये नौ यक्स इधर जाएगा माइनस का एक्स, यानी ये क्या आ गया दहाई, दहाई बराबर कितना हो जाएगा नौ माइनस यक्स। या समझिए अच्छे से समझिए, जैसे किसी दो संख्याओं का योग दस है, बात समझो, कोई दो संख्या है मान लो, तो अगर एक यक्स है तो दूसरा दस माइनस एक, अगर एक एक है तो दूसरा दस माइनस एक, अगर ये दो है तो ये दस में से दो गया यानी आठ। ठीक, ये दो ये आठ, अगर ये पाँच है, अगर ये मान लो छः है तो ये छः घटा दो तो दस में से छः गया चार, तो दोनों अंकों का योग दस है। इसी प्रकार से अगर ये यक्स है तो ये यक्स है, तो इकाई का अंक यक्स और दहाई का दस माइनस यक्स, लेकिन हमारे यहाँ अंकों का योग था नौ, तो इकाई का अंक यक्स और दहाई का अंक आ गया नौ माइनस यक्स। ठीक, अब देखिए क्या होता है संख्या, संख्या का एक सूत्र होता है, वो सूत्र होता है दस गुणे दहाई प्लस इकाई, ध्यान रखना जब भी संख्या लिखना तो ये सूत्र होता है। देखिए कैसे, जैसे हम इकाई दहाई तो जानते हैं, जैसे एक इकाई चार दहाई, तो वो संख्या आपसे पूछ ले तो देखिए एक इकाई और चार दहाई तो वो संख्या है हमारी इकतालीस। अब देखिए सूत्र से कैसे लिखेंगे, दस गुणे दहाई, दहाई कितना है चार प्लस एक, दस चक्कू चालीस, एक इकतालीस, देखो उतना ही आया सेम टू सेम। ठीक, तो अब देखिए संख्या का सूत्र होता है दस दहाई प्लस इकाई, इकाई एक नहीं इकाई। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, अगर आपको पता है तो लिख दीजिए, तो देखिए दस, तो देखो यहाँ पर हो जाएगा दस दहाई प्लस इकाई, देखो तो संख्या हो जाएगी हमारी दस गुणे दहाई, तो दहाई कितना है नौ माइनस यक्स, ये दस गुणे दहाई प्लस इकाई, ये हो गया संख्या का सूत्र। अब अगर पलट कर लिखे तो देखो पलट कर देखो इसी में समझो अच्छे से, तो पलट का सूत्र तो यही होता है, तो लेकिन अब संख्या क्या होगी, जो इकाई थी वो दहाई होगी, जिससे पहले इकतालीस था, अब कितना बन जाएगा पलट देंगे तो चौदह, सूत्र वही लिखेंगे दस, लेकिन अब क्या हो गया, जो इकाई था वो दहाई हो गया, जो दहाई था इकाई, सूत्र वही,
दस गुणे दहाई। अब दहाई कितना हो गया, पहले एक था अब कितना हो गया, सॉरी पहले चार था अब कितना हो गया एक, प्लस और इकाई जो पहले कितना था एक अब कितना हो गया चार, दस एक दस चार चौदह, देखो संख्या पलट के होगी। तो यहाँ पर भी समझो दस लिखेंगे दहाई, अब दहाई पहले ये था लेकिन अब दहाई कौन हो गया ये, यानी दस एक्स प्लस नौ माइनस एक्स, ठीक। अब देखते हैं ये आ गया हमारा संख्या, अब देखिएगा शर्त देखते हैं। अगली शर्त कह रहा है बदलकर जो प्राप्त संख्या की गई है वो दी गई संख्या से 27 अधिक है। देखिए ये हमारी दी हुई संख्या है और ये बदलकर, तो ये क्या है 27 अधिक है। तो अब बात करते हैं, देखिए ये पलटकर संख्या मान लेते हैं, इधर लिखे दस एक्स, अब ये दहाई हो गया और ये नौ माइनस एक्स, तो ये हो गई हमारी पलटकर संख्या और ये हो गई हमारी मेन संख्या, दस गुणे नौ माइनस एक्स प्लस एक्स। देखिए ये ओरिजिनल संख्या है और ये पलटकर, तो क्या कह रहा है, जो पलटकर जो बदलकर प्राप्त जो संख्या है दी गई संख्या से 27 अधिक, इससे 27 ये अधिक है, लेकिन जोड़ेंगे इधर, ध्यान रखना क्यों। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर लिखा है नौ प्लस, इधर नौ इधर लिखा है तीन, तो कौन अधिक है, ये अधिक है, कितना अधिक है छः, तो इधर छः जोड़ेंगे, नौ जो है तीन से छः अधिक है, जब इधर जोड़ेंगे तभी बराबर होगा। तो इसी प्रकार ये जो बदल कर संख्या आई है ये दी हुई संख्या से 27 अधिक, इससे 27 ये जो संख्या है इससे 27 अधिक है, तो जोड़ेंगे इधर। अब देखिए 10 एक्स तो ये हो गया ऐसे प्लस 9 माइनस एक्स, इधर देखिए 10 9 90 और माइनस का 10 एक्स प्लस का एक्स प्लस का 27। अब देखिए कुछ हल हो जाएगा, 10 एक्स में से एक्स गया कितना बचा 9 एक्स, और यहाँ पर समझिए x माइनस दस, x में से 10 गया माइनस का 9x बचा, इधर लाएंगे तो प्लस का 9x हो जाएगा, ठीक। देखिए 10x में से x गया 9x, और यहाँ x में से 10x गया माइनस का 9x आया, लेकिन इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब देखते हैं 90 और 27 कितना होगा, 7 117, 7 और 9 2 11, और इधर देखिए प्लस का 9 था, उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का 9, अब 9 9 कितना हो जाएगा 18x, और जब 117 में से वो घटाएंगे यानी 17 में से 9 हो गया 8, और 10 में से यानी 108 आ गया। अब क्या करेंगे, x बराबर हो जाएगा 108 बटे 18, तो 18 पंचे 90, 18 छंगा 108, यानी x का मान आ गया 6। अब देखते हैं क्वेश्चन को, तो अब जब x का मान 6 आ गया तो अब देखिए इकाई का अंक, इकाई का अंक, तो इकाई का अंक आ गया हमारा 6, यानी x बराबर 6, और दहाई का अंक आ गया, दहाई का अंक है 9 माइनस x, यानी 9 माइनस x का मान 6, यानी कितना आ गया 3। अब बात करता था दी गई संख्या ज्ञात कीजिए, तो देखिए संख्या का जब हम सूत्र ज्ञात करेंगे तो संख्या का सूत्र देखो पहले तो यहाँ पर लिखा है, या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 गुणे दहाई प्लस इकाई, क्योंकि अब हमारा ये सब दहाई इकाई ज्ञात हो गया है, तो 10 गुणे दहाई कितना है 3 और इकाई कितना है 6, तो वो संख्या होगी 10 या 30 और 6 36, ठीक। अब अगर इसकी सभी शर्तों को ध्यान किया जाए, देखो दो अंकों वाली दी गई संख्या के अंकों का योग 9 है, तो 3 और 6 9, अगर संख्या के स्थान बदल दिए जाए यानी 36 को 63 कर दिया जाए, तो देखिए ये जो पहली संख्या थी इससे कितना 27 ज़्यादा है यानी 63, ये 63 जो है 27 से 27 ज़्यादा है। देखते हैं प्रश्न नंबर 4 कह रहा है दो अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरी का 3 गुना है। अब देखिए यहाँ पर एक अंक दूसरा अंक दिया है, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि इकाई कौन है, दहाई इकाई दहाई की बात नहीं कर रहा है। यदि इसके अंकों को स्थान बदल कर प्राप्त संख्या को, तो पहले तो इतने पर ही मान लेते हैं, एक अंक जो है दूसरे का 3 गुना है, तो दूसरा अंक मान लेते हैं एक्स, तो ये अंक 3 गुना है ना, तो ये हो गया 3x। अब इसके अंकों के स्थान बदल कर प्राप्त संख्या को, देखिए मान लेते हैं पहले यह संख्या ये दी है और इसको अंकों का स्थान बदल दिया जाए नहीं, यानी इकाई दहाई कर दहाई इकाई, और इसको अगर जोड़ें तो 88 आ रहा है, ठीक ऐसा माना गया है। अब आपको पता है ना कि यह कैसे होता है, 10 होता है दहाई प्लस इकाई, 10 दहाई प्लस
इकाई। अब देखिए यहाँ पर ये मैटर अच्छे से समझिए, इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या को जोड़ना है, यानी पहले अंकों के स्थान बदल दिया जाए और प्राप्त दी गई संख्या में जोड़ दिया जाए तो 88 आता है। तो देखिए यहाँ पर समझिए 10, ठीक। अब यहाँ पर जब इकाई दहाई दिया नहीं गया तो हम किसी को भी इकाई मान सकते हैं और किसी को दहाई मान लें। तो जैसे मान लेते हैं अगर ये दहाई है, ठीक, ध्यान रखना, अगर ये दहाई है और ये इकाई है, ठीक, तो सबसे पहले तो आते हैं मेन संख्या, दी गई संख्या में जोड़ने पर। तो पहले तो मेन संख्या में आते हैं, 10 गुणे दहाई प्लस इकाई, देखो ये मेन सवाल होता है। लेकिन फिर क्या हुआ, वही अगर जब पलट गया तो देखिए 10 गुणे दहाई दहाई, अब ये हो गई जो इकाई था वो क्या हो गया दहाई, और जो दहाई था वो क्या हो गया इकाई। अच्छे से समझो, 10 इसको हम दहाई माना है, 10 दहाई प्लस इकाई, लेकिन जब बात पलट गई तब ये जो इकाई थे वो क्या हो गया अब दहाई, 10 दहाई प्लस इकाई। अब इन दोनों को अगर जोड़ दें तो कितना आना चाहिए 88। अब हल करते हैं, तो देखिए 10 तिया 30x प्लस x, ये कितना हो गया 30x प्लस x, अब ये हो गया 10x प्लस का 3x बराबर 88। अब देखिए 30x और 1x कितना हो गया 31, 31 और 10 41 और 3 44, तो ये हो गया हमारा 44x बराबर 88। तो x बराबर हो जाएगा 88/44, यानी कितना आ गया 2। अब बात करते हैं अंकों पर, तो देखिए दूसरा अंक, क्योंकि यहाँ पर इकाई और दहाई तो दिया नहीं था, तो ये दूसरा अंक आ गया हमारा x यानी 2, और पहला अंक यानी एक अंक 3x यानी 3 गुणे x का मान 2, यानी कितना आ गया 6। अब देखिए संख्या वो हमारी कौन है, एक अंक है 6 और दूसरा अंक है 2, यानी वो संख्या है हमारी 62। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो पूछ रहा है दी गई संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या में हमारा हो जाएगा 62, ठीक। दूसरा अंक, पहला अंक ये है और दूसरा अंक ये, तो पहला दूसरा अंक ये और दूसरी भी संख्या हो सकती है, अगर पहला अंक इसको माना जाए, ये पहला अंक है और ये यानी एक अंक, अगर ये पहला अंक माना जाए और ये दूसरा अंक माना जाए तब हमारा संख्या होगी 26। आप देख लेना, ठीक। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, सोबो की माँ की आयु जो है सोबो की आयु की 6 गुनी है। तो देखिए सोबो की आयु मानेंगे x और उसकी जो माँ की आयु है वो 6 गुना है, यानी कितना हो जाएगा 6x। 5 वर्ष बाद सोबो की जो आयु होगी उसकी माँ की आयु वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। देखिए 5 वर्ष बाद कह रहा है, सोबो की जो आयु होगी उसकी माँ की वर्तमान आयु, ऐसा नहीं, देखिए यहाँ पर समझिए अच्छे से, ये मान लेते हैं सोबो की आयु और उसमें 5 वर्ष बाद कह रहा है, यानी 5 साल जब उसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी सोबो की आयु और उसमें 5 साल जुड़ जाएंगे, और इधर जो कह रहा है उसकी माँ की वर्तमान आयु, तो माँ की वर्तमान आयु यानी कितना 6x। वर्तमान आयु इसकी जो 6 गुना है इसमें आप 5 साल नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ये नहीं कह रहा था 5 वर्ष बाद दोनों की, ठीक। सोबो की आयु 5 साल बाद, 5 साल बाद जो होगी माँ की आयु की 1/3। अब देखिए 3 गुना अगर ये होता, अगर ये 3 गुना होता तो इधर 3 से गुणा कर देते, और 1/3 का मतलब होता है ये वाला, ठीक। अब यहाँ पर समझिए सोबो की आयु 5 साल बाद जो होगी माँ की आयु की 1/3 है, 1/3 हो रहा है ये, और लेकिन गुणा किधर होगा इधर होगा। अब बात करते हैं सोबो की आयु, तो सोबो की आयु थी हमारी एक्स प्लस 5 बराबर, अब इसको जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2x। कैसे, देखिए इसको जब काट देंगे तो आ जाएगा 2x। अब ये जो 2x है इधर लाएंगे तो x माइनस का 2x और ये प्लस का 5 जो है इधर जाएगा, यानी x में से 2x गया माइनस का x बराबर माइनस का 5, तो माइनस माइनस गया कट, x बराबर कितना आ गया 5। अब देखते हैं सोबो की आयु, तो यानी सोबो की आयु तो x बराबर यानी कितना हो गया ये 5 वर्ष, और उसकी माँ की आयु, सोबो की माँ की आयु 6x, यानी 6 गुणे 5 कितना हो गया
30 वर्ष। अब अगर उत्तर की जांच करते हैं तो देखिए 5 गुना है, 5 साल बाद, देखिए 5 साल बाद ये कितना होगा, 5 10 साल। अब देखिए वर्तमान आयु का तिहाई है कि नहीं है, ठीक जांच होगी, इसका मतलब सोबो की आयु 5 वर्ष और उसकी माँ की आयु 30 वर्ष। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, महोली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है, इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है, गांव पंचायत को इस भूखंड की बाड़ यानी फेंस यानी चार दीवारी कराने में 100 रुपया प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपया बे हो करने होंगे, भूखंड की माप ज्ञात करना है यानी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। तो लंबाई देखिए यहाँ पर कह रहा है 11:4 यानी लंबाई हो गई 11x और चौड़ाई हो गई 4x। अब देखिए यहाँ पर कुल बे उसने किया है 75,000। अब देखिए इसका परिमाप कितना होगा, अब देखिए ये जो 75,000 टोटल है जबकि 1 मीटर का रुपया खर्चा आता है 100, फिर अगले 1 मीटर का खर्चा आता है 100, तो आपको ये टोटल बताना है कि ये कितने मीटर है। तो देखिए कुल बे है 7500, तो परिमाप हो जाएगा यानी टोटल बे है 75,000 सॉरी, और 1 मीटर का खर्चा आता है 100, तो ये हो जाएगा 750 मीटर। अब ये 750 मीटर टोटल है, ठीक समझिए, जैसे 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर इस प्रकार से टोटल कितना है 750 मीटर। अब यानी यू हो वो हो गया परिमाप। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे यानी स्कूल का ये जो मैदान है इसका परिमाप है 750 मीटर। अब देखिए परिमाप है तो ये आयत है, तो आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है परिमाप का सूत्र, तो ये है 750। तो 2, अब लंबाई है 11x और चौड़ाई है 4x बराबर 750, तो ये हो गया 2 गुणे 11 और 4 15x बराबर 750। अब देखिए 2 और 15 की जब गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा 30x बराबर 750, तो x बराबर हो जाएगा 750 बटे 30, 0 से 0 कट गया, 3 × 2 = 6 और 3 × 5 = 15, यानी x का मान आ गया 25। अब देखिए लिखेंगे हम यहाँ पर लंबाई है 11x यानी 11 × 25 कितना हो जाएगा 11 × 5 = 55, 11 × 2 = 22 और 5 = 27, ठीक। फिर ब्रीथ चौड़ाई कितनी हो जाएगी 4x यानी 4 × 25 कितना हो गया 100, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, लंबाई इतनी और चौड़ाई। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, हसन जो है स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है, इसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपया और प्रति मीटर तथा पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपया, यानी कमीज का भाव है 50 और पतलून का भाव 90। अब देखो यहाँ पर कह रहा है वह पतलून के लिए प्रति 2 मीटर कपड़े के लिए कमीज का 3 मीटर कपड़ा खरीदता है। अब देखिए यहाँ पर समझिए, पतलून का अगर पतलून का वो 2 मीटर खरीदता है, ठीक, तो कमीज का वो 3 मीटर खरीदता है, ठीक, फिर अगर इस पे पतलून का 2 मीटर खरीदा तो कमीज का फिर 3 मीटर खरीदेगा। मेन पॉइंट ये है कि इसका जो अनुपात होगा, देखिए अगर यहाँ पर लिखते हैं यानी ये हो गया 4 और ये हो गया 6, तो इसको काटने के बाद देखिए अनुपात हमेशा 2:3 ही रहेगा, ठीक, जैसे फिर यहाँ 2 खरीद ले फिर यहाँ 3, तो ये हो जाएगा 6/9, काटने पर वही अनुपात यानी 2:3, यानी पतलून का अगर 2:1 है तो कमीज का कितना अनुपात होगा 3। तो अब यहाँ पर हम इसी प्रकार से मान लेंगे इतने पॉइंट पर, यानी जो पतलून का कपड़ा है तो वो अनुपात है 2x और कमीज का अनुपात है 3x। फिर कह रहा है सवाल आगे, वह इस कपड़े को 12% तथा 10% लाभ पर बेचकर, अब देखिए यहाँ पर ये नहीं दिया इस कपड़े को कह रहा है, अब इस कपड़े पर क्या है, देखिए यहाँ पर कमीज का कपड़ा पहले था फिर पतलून का था, तो उसी प्रकार से हमने लिख दिया कमीज पर 12% लाभ लेगा और पतलून पर 10% लाभ, पर बेचकर 36,660 रुपये प्राप्त की, जो 36,660 है तो ये सिर्फ लाभ नहीं, ये है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य हमको इन लोगों का इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पतलून के कपड़े का कुल मूल्य पहले निकालेंगे। देखिए
उसने ये तो नहीं कहा कि उसने 2 मीटर खरीदा, नहीं, इस अनुपात में खरीदा। अगर ये दो खरीदेगा तो ये 3, जब ये 4 तो ये 6, यानी इसी अनुपात में खरीदेगा। तो पतलून के कपड़े का मूल्य, तो देखिए पतलून का जो कपड़ा है, तो सबसे पहले तो बात करते हैं ये मीटर में कितना है, 2x, और पतलून के कपड़े का मूल्य क्या है, देखिए यहाँ पर पतलून के कपड़े का मूल्य है 90, यानी ये टोटल हो जाएगा 180x, क्योंकि ना तो भी हमको कपड़े का कपड़ा पता है, तो उसी प्रकार से हमको मूल्य भी नहीं पता है। अब देखते हैं कमीज के कपड़े का मूल्य, तो कमीज है कितना, 3x, और कमीज का मूल्य कितना है, 50, तो ये हो गया 150x। ठीक, अब बात करते हैं वह इस कपड़े को 12% और 10% लाभ पर बेचकर, तो देखिए लाभ दिया है तो 12% लाभ पर, तो देखिए कमीज का विक्रय मूल्य, यानी कमीज किस हिसाब से बेचेगा, तो क्रय मूल्य देखिए इसका कितना आया है, कमीज का 150 प्लस लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत होता है 150 पर, लाभ प्रतिशत कितना ले रहा है, ये कमीज है तो कमीज पर ले रहा है 12%, यानी 12/100, तो 10 से 10 कट गया, 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, और फिर 2 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 150 प्लस 3 × 6 = 18, यानी ये हो गया हमारा, यहाँ पर ध्यान रखना यक्स है और यहाँ पर भी यक्स है, तो ये आ जाएगा 3 × 6 = 18x और ये 150x, तो 150 में 10 जुड़े 160, यानी 168x। कमीज का विक्रय मूल्य आया 168x। अब पतलून का विक्रय मूल्य देखते हैं, तो पतलून का क्रय मूल्य कितना है, 180x, और लाभ कितना ले रहा है पतलून पर, 10%, यानी 180 का 10%, यानी 1020 कट गया, तो 180x है यहाँ पर, ध्यान रखना, तो 180 में 18x जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 198x। अब देखिए कमीज का विक्रय मूल्य इतना है और पतलून का विक्रय मूल्य इतना है, तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारी शर्त क्या है, टोटल विक्रय मूल्य है 36,660। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, कमीज का विक्रय मूल्य, कमीज का विक्रय मूल्य प्लस पतलून का विक्रय मूल्य, टोटल कितना है, 36,660। ठीक, और कमीज का विक्रय मूल्य यहाँ पर कितना है, 168x प्लस पतलून का कितना आया है, 198x बराबर 36,660। अब देखिए इसको जब हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8, 8, 6, और हासिल आया 10, और 10, 6, 16, फिर ये 3, और ये हो जाएगा 36, 6। ठीक, अब यक्स बराबर हो जाएगा 3, 6, 6, 6, 0/3, 6, 6। अब देखिए अगर ये 0 होता, ठीक, तब तो ये सीधे सीधे 100 आ जाता, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा, भाग देंगे जब 100.16, लेकिन लगभग मान लेंगे x बराबर 100 ही मान लेंगे, इसे क्या लिख देंगे, लगभग। अब देखिए x का मान आ गया हमारा 100, लेकिन हमको क्या करना था, x तो हमको निकालना नहीं था, हमको निकालना था उसमें पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा, तो पतलून देखिए कहाँ है हमारा ये, तो पतलून के लिए जब कपड़ा निकालेंगे पतलून के लिए, तो ये था 2x, यानी 2 × 100, तो कितना हो गया, 200 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जबकि मतलब आप चाहो तो कमीज का भी लिख सकते हो, ये 3x था, कमीज का 3x, यानी ये कितना हो जाएगा, 3 × 100, 300 मीटर, लेकिन हमको लिखना था सिर्फ पतलून का। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है, यानी आधा भाग क्या कर रहा है, मैदान में चल रहा है, और शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेलकूद रहा है, शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं, झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना हिरणों की संख्या है टोटल x।
अब यहाँ पर कह रहा है चरने वाले हिरण, देखिए आधा भाग मैदान में चर रहा है। अब देखिए हिरण कितने चर रहे हैं, आधा यानी एक बटे दो, यानी यक्ष बटे दो, यानी टोटल कितने थे यक्ष, आधा मतलब होता है दो से भाग कर दो वो हो जाता है आधा, तो ये हो गया चरने वाले हिरण कितने हो गए यक्ष बटे दो। फिर कह रहा है शेष का तीन चौथाई पड़ोस में ही खेल कूद रहा है। अब देखिए तीन चौथाई तो डायरेक्ट होता है तीन बटे चार किसी भी संख्या का, यानी जितने हिरण थे उसका ये है, और यहाँ पर कह रहा है शेष हिरण, तो देखिए शेष हिरण कितने बचे, देखिए कुल हिरण थे यक्ष जिसमें से आधे हिरण, ठीक आधे हिरण क्या कर रहे थे मैदान में चल रहे थे, तो ये हो जाएगा दो यक्ष माइनस यक्ष बटे टू यानी यक्ष बटे टू। मेन बात ये है कि आधे हिरण चल रहे थे और बचे कितने, आधे हिरण बचे। अब बात करते हैं यहाँ पर जो उसने तीन चौथाई कहा है वो पड़ोस में ही खेल कूद रहा है और शेष का तीन चौथाई, तो शेष कितना बचेगा, ठीक आधे हिरण जो मैदान में चल रहे हैं और शेष कितने बचे आधे, इसका तीन चौथाई, तो देखिए तीन चौथाई कितना होगा यानी तीन यक्ष बटे चार दूना आठ, ठीक। तो खेलने वाले हिरण हो जाएंगे हमारे तीन यक्ष, यानी इसको अगर हल करके लिख दें तो देखिए शेष हिरण बचे यक्ष बटे टू, उसका तीन चौथाई यानी ये आ गया तीन यक्ष बटे आठ। अब पानी पीने वाले हिरण देखिए, शेष बचे नौ हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं, तो शेष बचे जो नौ वो पानी पी रहे हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट पर, झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात करना है। तो झुंड में हिरण कौन कौन से हैं, एक तो है चर रहे हैं, दूसरे खेल रहे हैं और तीसरे पानी पी रहे हैं, यानी देखिए ये हो गए हमारे चरने वाले हिरण और ये हो गए खेलने वाले हिरण और प्लस ये हो गए पानी पीने वाले हिरण नौ, और टोटल मिलकर हिरणों की संख्या आएगी, तो टोटल हिरणों की संख्या है यक्ष। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यक्ष वाले पद सब एक तरफ रख लो, यक्ष बटे दो तीन यक्ष बटे आठ, और ये प्लस का एक्स इधर आएगा माइनस का एक्स हो जाएगा, और ये प्लस का नौ है इधर जाएगा माइनस का नौ हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, हर जब बराबर करेंगे तो यहाँ पर आठ लिखा है, इसके नीचे एक मानेंगे, इसमें ऊपर नीचे किस संख्या से गुणा करेंगे आठ से, इसके नीचे चार से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, ठीक। तो ये हो जाएगा चार एक्स प्लस का तीन एक्स माइनस का आठ एक्स, ठीक आठ एक्स बटे में हर कितना आया आठ बराबर माइनस का नौ। अब देखिए जब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, चार और तीन सात एक्स में से आठ एक्स गया, तो ये आ जाएगा माइनस का एक्स बटे आठ बराबर माइनस का नौ। अब देखिए ये आठ कहाँ पर है, बटे में उधर जाएगा गुणे में, यानी माइनस एक्स बराबर आठ नौ बहत्तर, तो माइनस माइनस गया कट, तो यानी हिरणों की संख्या आ गई बहत्तर, ठीक। अब अगर इसकी जांच करें तो देखिए हिरणों की संख्या बहत्तर है, चरने वाले हिरण आधे यानी बहत्तर का आधा करेंगे कितना आ जाएगा छत्तीस, ठीक। फिर कह रहा है खेलने वाले हिरण, तो इसका जितना बचे थे उसका तीन चौथाई करो, चार नौ छत्तीस यानी नौ त्रुक सत्ताईस, ठीक। तो छत्तीस हिरण क्या कर रहे थे, मैदान में खेल रहे थे, और सत्ताईस हिरण खेल रहे थे और ये चरने वाले हैं छत्तीस, और शेष बचे नौ, देखो इनको आ जाएगा टोटल बहत्तर। ये हमारा आंसर हो गया, आंसर कितना आ गया, कुल हिरण हमारे हिरणों की संख्या कितनी आ गई बहत्तर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर नौ कह रहा है दादाजी की आयु अपने पौत्री की आयु की दस गुना है, यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो माना पौत्री की आयु यस, ठीक, और दादाजी की आयु कितनी है, दादाजी की, तो दादाजी की आयु है 10 यक्ष, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है 10 गुना है, अगर ये 9 साल की है तो ये 9 9 धाम 90 यानी 10 साल 10 गुना है। फिर कह रहा है यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, यानी 54 वर्ष बाबा जी यानी दादाजी बड़े हैं, तो यहाँ पर हम प्रश्नानुसार लिखेंगे कि दादाजी की आयु में से अगर, यानी ये किसकी आयु है दादाजी की आयु और ये किसकी आयु है पौत्री की आयु, क्योंकि दादाजी पौत्री से 54 वर्ष अधिक हैं, इसका मतलब अगर दादाजी की आयु में से घटाएं तो कितना आना चाहिए 54 वर्ष, ठीक। तो 10 एक्स में से एक्स गया कितना आ गया 9 एक्स बराबर 54, तो एक्स बराबर 54 बटे 9, तो ये आ गया एक्स का मान 6, ठीक। तो अब यहाँ पर लिखेंगे पौत्री की आयु, तो पौत्री की आयु कितनी है यक्ष, तो यक्ष बराबर यानी 6 वर्ष,
फिर दादाजी की आयु, दादाजी की आयु है 10 गुना यानी 10 यक्स, तो ये हो जाएगा 10 गुणे 6 यानी 60 वर्ष। अगर अब उत्तर की जांच करें तो देखिए ये 10 गुना है और उनकी आयु पृथ्वी की आयु से 54 वर्ष अधिक है। देखिए 60 में से 6 जाएगा 54 वर्ष, ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, अमन की आयु है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो देखते हैं पुत्र की आयु अगर यक्ष है तो अमन यानी उसके डैड जी उसकी आयु 3 गुना है यानी 3 यक्ष। फिर कह रहा 10 वर्ष पहले उसकी आयु जो थी पुत्र की आयु की 5 गुना थी। तो आप देखते हैं 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले देखिए अमन की आयु, यह है अमन की आयु और ये है उसके पुत्र की आयु। अब 10 साल पहले की बात कर रहा है यानी 10 साल इसमें से घटा दो और 10 साल इसमें की। अब ये जितना भी था जैसे मान लो 15 था उसमें से 10 घट जाएगा, यानी 10 साल पहले की बात कर रहा है तो 10 दोनों में घटा देंगे। अब ये किसकी आयु है, ये अमन की आयु है और ये इसके पुत्र की आयु है। तो 10 साल पहले जो ये पिताजी थे अमन जी, इनकी आयु पुत्र के आयु की 5 गुना थी। तो 5 गुना किस किधर करेंगे, इधर गुणा करेंगे, ध्यान रखना है अमन जी 5 गुना लेकिन इधर गुणा इधर हो रही है यानी अपोजिट होता है। अब देखते हैं ये हो जाएगा 3x माइनस का 10 और ये 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस का 50। ठीक, अब ये 5x इधर आएगा यानी 3x माइनस 5x माइनस का 50 और ये प्लस का, इधर माइनस का है तो उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो ये हो गया 2x बराबर माइनस का 2x आया और इधर भी माइनस का 40 आ गया। तो x बराबर माइनस का 40 बटे माइनस का 2 यानी x का मान आ गया 20। जब x का मान 20 आ गया तो यानी पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितना आ गया x बराबर यानी 20 वर्ष। और अमन की आयु, अमन की आयु यानी उनके पिताजी की आयु 3 गुना थे यानी 3x, तो 3 गुणे x का मान 20 यानी 60 वर्ष। अब देखते हैं अगर उत्तर की जांच करना कह दे तो देखिए उसके पुत्र की आयु 3 गुना है, अमन की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुना है और 10 साल पहले, तो देखिए 10 साल पहले ये कितने के थे, ये 10 साल के थे यानी 10 साल इसमें से घटा दो, इसमें 10 साल यानी 50। तो देखिए ये तब कितने थे, 5 गुना थे। ये हमारा आंसर आ गया 20 वर्ष और 60 वर्ष। एक्सरसाइज 2.4 द एंड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।